ये देखो तिल की सफाई हो रही है। तिल काट के पहले ये कचरा निकाला उस तिलों से, ये वाला इतना सारा। अब ये बारीक कचरा थोड़ा मोटा, इससे पतला निकल रहा है ये गट्टी से, छलने से ये छोटा शहदादा। ये बाप बेटा दोनों लगे हुए। ये छलने से ये नीचे फिर थोड़ा अपनी तरफ हो चाचा, थोड़ा अपनी तरफ हो जो बस। ये है ना, ये मोटा मोटा कचरा जिस तरह इसके अंदर ये साफ हो रहा है, वो वाला कचरा जो पड़ा हुआ ये सफाई हो रही है। ये थोड़ा सा बारीक नीचे दिखाता हूँ अभी मैं, ये कर लेना। चल भाई रिजवान, देख रहे हैं ये मोटा कचरा निकल गया। ये इतना मोटा, ये मोटा कचरा हो गया। अब ये छाछ से बारीक वाला, ये जो इसमें बारीक बारीक कचरा है ना, ये बारीक वाला कचरा ये निकल जाएगा जिस तरह वो निकल रहा है। फिर ये सफाई हो के मैं दिखाता हूँ किस तरह होंगे। अभी छलने से जब उड़ जाएंगे ना, ये कर रहा है सफाई रिजवान। ये देख इसके मत्थों पर सारे पसीनों पसीन हो रहा। उंगली पर क्या हुआ तेरे रिजवान, उंगली पर क्या हुआ है? कैची लगी। अभी दिखाता हूँ, अभी ये जिस तरह ये छलने के अंदर भर के, अब ये छलने से ना इसे उड़ाएंगे पंखे से। ये पंखा जिस तरह लग रहा है ना, ये ऐसे उड़ाएंगे इसे। ये साफ हो रहा, ये पंखे की मदद से उड़ रहा। और ये देखो काफ़ी हद तक उसकी निस्बत, ये इसकी निस्बत, ये कितना ज़्यादा साफ हो गया। और वो बारीक कचरा वहाँ उड़ रहा, ये देखो ये पतला पतला कचरा, ये पंखे की मदद से उड़ेगा। ये देखो कितना फर्क है इसके अंदर और इसके अंदर, ये कितना कितना साफ हो गया और ये कितना गंदा है। पहले इसका ये प्रोसेस हुआ, ये इतना भारी कचरा निकला, ये मोटा, फिर उसके बाद ये इस वो गट्टू के अंदर पड़े हैं, वो दूसरा गट्टू है ये, फिर गट्टू इस छलने से अभी जिस तरह ये बच्चा और अंकल छान रहे थे, फिर वो मोटा उससे कचरा, फिर उसके बाद ये वाला ब्रीक प्रोसेस। ये बिल्कुल साफ हो के अभी ये सेल के लिए तैयार है ये वाला। ये बारीक कचरा उड़ गया सारा, अब ये सेल के लिए ना
बेचने के लिए भाई साफ हो रहे हैं। कोई कितने साफ करता है, कोई कितने, हम अच्छी तरह साफ कर रहे हैं। ये जिस तरह ये हो रहे साफ पंखे की मदद से, ये जा रहा उड़ के, छोटा बारीक कचरा उधर निकलता जा रहा है और ये साफ होते जा रहे हैं तिल, और ये साफ हो गए ये गट्टू भरे हुए। और ये हमारे साथ वाले इनके प्लाट के अंदर ये मक्की की बिजाई हो रही है। ये मक्की बीजी गई है, हमारी जो बीजी हुई है वो ट्रैक्टर वाला इसे कल्टी कर रहा है। मतलब पहले इन्होंने पानी लगाया जब हल्की सी नमी ज़मीन में हो, या फिर इन्होंने बीज छिड़क दिया। अब बीज दिखाऊं मैं आपको कैसा है। ये है बीज, ये मक्की का बीज है। ये इन्होंने हाथ से ना ऐसे छट छट के बीज फेंक दिया, उसके बाद ये ट्रैक्टर वाला रूटावेटर कहते हैं इसे, रूटावेटर से इस ज़मीन को राउंड अप करे जा रहा। मतलब वो उसमें वो कांटे वो लगे हुए होते हैं ब्लेड, वो घुमाते हैं ज़मीन को, कल्टी कर रहा है। मतलब इसमें दबा देगा मिट्टी के अंदर, फिर ये कुछ दिन बाद निकल जाएगी, मक्की निकलना शुरू हो जाएगी। अब मक्की निकली भी जिस तरह हमारी वहाँ पर तैयार खड़ी है, जिस तरह हमारी ये वाली ये खड़ी है ग्रीन ग्रीन जो फसल है ना, ये पीछे ये तैयार होगी, ये भी इस तरह मक्की तैयार हो जाएगी। ये ट्रैक्टर वाला है, बूले देख रहे हो, ये छोटे मोटे कीड़े वगैरह निकल रहे होंगे ना उसे खाने के लिए आ रहे हैं। और इधर हमारा अंदर तिलों की सफाई हो रही है, बकरियां बेचारी बैठी हैं। ये टूवल है, बोर लगा हुआ है, और ये खूह, ये तकरीबन 40-45 फुट है, ये देखो कितना गहरा है खूह, बहुत गहरा है ये। ये देख लो अभी रूम के बगैर नीचे तक तो दिख भी नहीं रहा। ये हमारी अंदर वास्ते बहने का वो है वही ना चार दीवारी, ये इसमें पिटर लगा हुआ है, जो ये वाला कमरा है ना इसमें पिटर वगैरह सामान वगैरह, एक दूसरा कमरा उस तरफ। ये पहले तो इन्हें पट्ठे डाल दिए बकरियों को, अब फिर ये पट्ठों के इंतज़ार में अंकल लेने गए हुए हैं इनके लिए चारा। हमारा तो अभी छोटा है, तैयार नहीं हुआ, अभी छोटा है। ये हैं हमारी बकरियां और ये रहे हम। बस काफ़ी देर आज हम 1:30-2 बजे के आए हुए हैं बोर में, सिर्फ किलो की सफाई करानी थी ना। आगे कह रहे हैं मौसम ख़राब हो जाएगा ना, बारिश वगैरह का इम्कान है, इस वजह से भाई बारिश हो इससे पहले तिल थोड़े ये जो रह रहे थे वो साफ करा लें। बस अभी अंकल चाय लेने गए हुए हैं, चाय पी के फिर इंशाल्लाह मैं जा रहा हूँ, जाऊँगा घर, नहाए धोएंगे। और ये फिर रहा रिजवान, ये जो हमारा वो है ना जो फसल जिन्होंने काश्ती, ये उनका बेटा है सबसे छोटा। ये जानवरों की खुरलियाँ वगैरह, ये लकड़ियाँ पड़ी हैं कुछ, ये इस तरह जगह है। ये वाला कमरा इसके अंदर पिटर भी लगा हुआ है, बस वो चाय ले आए अंकल आ जाए फिर, बस चाय पी के बस घर को घरों को चलते हैं भाई। हैं बड़ी बड़ी मक्की, क्या चीज मक्की, हाँ मक्की दिखा दी, मक्की अभी लगना शुरू होगी वैसे, मक्की उसके अंदर है ना। हाँ ओके भाई, बाय बाय, फिर मिलते हैं।